कुशीनगर जनपद के खड्डा तहसील अंतर्गत ग्राम सभा पटखौली में विवादित भूमि पर अवैध कब्जा करने का मामला प्रकाश में आया। बताते चले कि कुशीनगर जनपद के थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा जूड़ा छपरा के टोला पटखौली में एक ऐसा मामला प्रकाश में आया है जिससे भूमि की जमीन पर दबंगों द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा है। 26 फरवरी के दिन शुक्रवार को जिसकी शिकायत 112 नंबर पर कॉल करके किया गया तो मौके पर 112 पुलिस पहुंचकर उसने अवैध निर्माण को रुकवा दिया। वहीं निवन औरंगिया के सिपाही जब मौके पर पहुंचे तो उन्होंने उस अवैध नाम कार्य को फिर से शुरू करवा दिया। 27 फरवरी के दिन शनिवार को दोबारा 112 पुलिस मौके पर पहुंची और उसने फिर से अवैध कब्जा लौटा दिया। इस तरह के विवाद से शिकायतकर्ता काफी परेशान है। आपको बता दें कि संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई थी जिसमें एसडीएम ने प्रार्थना पत्र के साथ नेवान और रंगिया थाने को यह कहा था कि वह इस व्यवस्था को देखे और मौके पर जाकर जांच करते हुए शांति व्यवस्था कायम रखे। वहीं प्रार्थी थाने और न्यायालय का चक्कर काट काट कर परेशान है। सुनिए क्या कह रहा है प्रार्थी अपने इस समस्या के बारे में। टीम जनमंच खबर कुशीनगर। क्या नाम आपका? राजेश यहाँ। घर कहाँ है? पटखौली। क्या हुआ है आपके साथ? आपके यही साथ हुआ है, एक पटदार ने 3 रोज से घर बना रहा था तो मैं 112 पर फोन करके पुलिस बुलवाया तो 3 बार पुलिस ने बहुत समझाया बुझाया फिर भी लोग माने नहीं। इसके बाद मदन ने हमारे खिलाफ कल दरखास्त दिया, पुलिस गई तो हमारे सामने पुलिस ये भी पुलिस हरकाई, उसके बाद थाने को बुलाई है। पूरी प्रशासन ने हमको जो है 4 घंटा बैठाया, उधर घर चल रहा था और हमको 4 घंटा चुतिया बना रहा था थाने में, एक ग्रुप लाओ तो इंतखाब दिखाओ तो स्टाम्प पेपर दिखाओ तो इंतखाब दिखाओ और उसके बाद घर उधर चढ़ गया। जनमंच खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं, खबरों को शेयर करना ना भूलें। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। जुड़े रहें जनमंच खबर के साथ।